अगली खबर जयपुर से है, जहां ओटीएस सभागार में आरएएस और अधीनस्थ सेवा अफसरों का प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मुख्य सचिव डीबी गुप्ता, एसीएस होम राजीव स्वरूप ने संबोधित करते हुए मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने कहा कि हमें पब्लिक से फ्रेंडली होना होगा, ईमानदारी सत्यनिष्ठा के साथ बिना किसी लालच के फील्ड में आमजन का सहयोग करना होगा। आम नागरिक की जगह खुद को रखोगे तो जनता की परेशानी समझ में आएगी। तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने उद्बोधन के दौरान संबोधित करते हुए कहा कि यह आपकी जिंदगी की नई शुरुआत है, संवेदनशील पारदर्शी और जवाबदेही प्रशासन के लिए खुद को तैयार करें। समय बड़ा कठिन है, चुनौतियां बहुत है, आपका जज्बा बना रहे इसके लिए आपको सदैव तैयार रहना होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 50 के दशक में ट्रेनिंग की शुरुआत की थी। सत्य, अहिंसा, शांति और सुरक्षा के संदर्भ में हमें गांधी जी की जीवनी से संबंधित पुस्तकें पढ़नी चाहिए। इसके अलावा शांति और अहिंसा का नया विभाग बनाएंगे। नए सभागार ने लिए राज्य सरकार 20 करोड़ देगी। आपके उज्जवल और मंगलमय भविष्य की कामना के साथ हम चाहते हैं कि यूपीएससी की तरह आरपीएससी का कैलेंडर बने ताकि समय पर भर्ती हो सके। पूछिएगा आज हमारे साथी 700 अधिक उनकी ट्रेनिंग का काम फेले में शुरू हुआ है। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। संवेदनशील, पारदर्शी, जवाबदेही जो हमारी भावना है, आने वाले वक्त में उसी अनुरूप ही वो काम करके समाज को सेवा प्रदान करते आज जीवन का सबसे इस तरह का माहौल बना है देश में, प्रदेश में। उसमें आवश्यक है हम लोग कैसे आने वाली पीढ़ियों को शांति का और अहिंसा का क्या महत्व है जिंदगी के अंदर, समाज के अंदर, देश के अंदर, प्रदेश के अंदर इसका महत्व वो समझ सके और भाव पैदा कर सके। जिंदगी के अंदर हमें अहिंसा के रास्ते भी चलने चाहिए। आज कानून व्यवस्था की स्थिति हिंसा का दौर चलता है, मीटिंग हो जाती है, निर्दोष आदमी एक होता है उसके ऊपर 50 करोड़ भर के मार देते हैं। ये मानवता का कलंक है। हमें सोचना पड़ेगा कि ये वक्त आ गया है कि हम लोग कम से कम सरकारी स्तर पर एक संदेश देने का प्रयास करें। इस बात को लेके हम सब रुके हैं। 20 महीने लग गए। अगर पिछली सरकार चाहती रास्ता जो हमने निकाला है वो रास्ता निकाल करके जो लोग 2016 के ये लोग आरपीएससी के एग्जाम में बैठे हों, 17 में परिणाम आ गए हों, 18 में तमाम समाप्त हो गए, उसके बाद 20 महीने लगते हैं इनके ऊपर, इनके परिवारों पर क्या बीती होगी जिन्होंने पूरी मेहनत करके एग्जाम पास किया, इंटरव्यू पास हो गए, सब कुछ हो गया तभी ट्रेनिंग जो वंचित रह गई। मुझे खुशी है कि आज जो हमारे साथी 700 से अधिक उनकी ट्रेनिंग का काम फेले में शुरू हुआ है। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। कामना रहे और संवेदनशील, पारदर्शी, जवाबदेह प्रशासन को जो हमारी भावना